तो फ्रेंड हमारे वेब टेक सपोर्ट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ई कॉमर्स के अंदर वर्डप्रेस के ई कॉमर्स के अंदर में अगर आप चाहते हैं कि ये ई सॉर्टिंग ये बहुत ही अहम चीज होता है डेवलपर के लिए, जो ई कॉमर्स डेवलपर के लिए या तो फिर वर्डप्रेस डेवलपर के लिए, कि सॉर्टिंग में भी कभी कभी मैंने देखा हूं कि कभी कभी सॉर्टिंग में जो है हम कस्टमाइज के लिए हमको रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उस केस में हम इतने सारे ई-कॉमर्स के फाइल में ये सॉर्टिंग कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है वो हम कैसे जानेंगे, और इसको जो है हम अपने मुताबिक इसको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं हुक के जरिए में, क्योंकि हुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेवलपर के लिए, जो बेस्ट डेवलपर के लिए, जो अच्छा डेवलपर जो बनना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही हुक इंपॉर्टेंट चीज है ई-कॉमर्स के लिए, ताकि हम हुक से सारा चीज अगर जिस डेवलपर ने जान दिया कस्टमाइज करने के लिए पूरे ई-कॉमर्स को वर्डप्रेस को, वो जो है सारा वो सबसे बेस्ट डेवलपर होता है, ठीक है, वर्डप्रेस उसी को असल डेवलपर हम कहते हैं, ठीक है, तो वो जो डेवलपर होता है, तो इसलिए हुक से ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है फ्यूचर में हर न्यू वर्जन के साथ में ई-कॉमर्स और वर्डप्रेस अपडेट होता रहता है। उस केस में क्या करेगा कि अगर हम कहीं से इसका फाइल, मानो कि ये जो हमारा जो ये जो सॉर्टिंग हमारा आ रहा है, उस सॉर्टिंग को अगर हम कहीं से भी आ रहा हो, कहीं तो आके कोड इसका लिखा होगा, अगर उस जगह पे हम जाके इसको हम चेंज करेंगे उस कोड में, तो कभी अगर फ्यूचर में ये अपडेट हो गया तो वो मेरा कोड सारा खत्म कर देगा, उसके बाद में जो है हमारा जो उड़ जाएगा वो सारा फंक्शन, ठीक है, तो वो बेटर नहीं होता है, वो तरीका अच्छा नहीं है। ये तरीका है कि अगर आप चाहें तो यहाँ मतलब एक हुक के जरिए से इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं इजिली से, जैसे मतलब कि बाय सॉर्टिंग सॉर्ट बाय पॉपुलरिटी, ठीक है, अगर मुझे ये चाहिए, ठीक है, अगर मुझे ये चाहिए तो ठीक है, अगर कस्टमर ने रिक्वायरमेंट कर दिया कि ये हमको नहीं चाहिए इसको हटाना है, तो आप कैसे हटाएंगे, कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा चीज होता है आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सॉर्ट बाय एवरेज रेटिंग, ये भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए लेटेस्ट और लो टू हाई और हाई टू लो, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, इसको और भी सारी चीजों को कैसे रिमूव करेंगे, तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको सिंपली एक छोटी सी कोड के हुक के जरिए मैं ये चीज को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, और ये चीज परफेक्ट काम करती है, वो चीज आप देख लें, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें फ्रेंड, और हमारे चैनल में अगर नए होंगे इसी तरह का वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर दें, पसंद आए तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लें फ्रेंड। तो चलिए ले चलते हैं आपको, तो सबसे पहले आपको जो है अपना थीम के अंदर में चले जाना, तो चलिए मैं सबसे पहले अपने थीम के अंदर में चले जाता हूं, ये हमारा सी ड्राइव के अंदर में, सी ड्राइव के अंदर जेम फोल्डर के अंदर में, उसके बाद में एचटी डॉक्स के अंदर में हमारा जो थीम है शॉप के अंदर में मुझे मिल जाएगा थीम हमारा, ठीक है, ई-कॉमर्स का जो वर्डप्रेस का थीम है, ये हमारा न्यू स्टोरी है, हमारा थीम है, इसके अंदर में आपको एक फंक्शन फाइल मिलेगा, उसके अंदर में आपको सिंपली चले जाना है, उसको अपना एडिटर में ओपन कर लेना, एडिटर में ओपन करने के बाद नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद में आपको जो है यहाँ पे एक कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोड मिल जाएगा, या फिर इंटरनेट में आप सर्च कर सकते हैं किस हुक के नाम से, ठीक है, सॉर्टिंग बाय हुक, ठीक है, तो ये कोड मैं यहाँ पे टेक्स्ट अपना रखा हूँ, मैं सारा चीज आपको जो है मैं कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, यहाँ से इजीली आप समझ पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर दिया, ये एड फिल्टर ये हुक लगा हुआ, ठीक है, जिसका डिफॉल्ट हुक बना हुआ है ई-कॉमर्स कैटलॉग ऑर्डर बाय, ठीक है, ये जो है ई-कॉमर्स का ये सॉर्टिंग के लिए ये हुक है, ये स्पेशल जो है ये इसके लिए हुक बनाया गया है, ये जो सॉर्ट हम देख रहे हैं इसको हम सॉर्ट बाय करते हैं, इसके लिए ये हुक हमारा काम करेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे हुक लगाए ऐड फिल्टर के अंदर में, उसके बाद में मैंने अपना फंक्शन को कॉल कर लिया, ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल बैक कर लिया, उसके बाद में इसमें ऑप्शन एक पैरामीटर है, ठीक है, ये मैंने पैरामीटर को पास किया, उसके बाद में ये मैंने एक एरे बनाया ऑप्शन के साथ में, एरे बनाने के बाद में अभी जो है हमारा जो डिस्प्ले हो रहा है फ्रेंड, जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे देखें सॉर्ट डिफॉल्ट सॉर्टिंग, ठीक है, ये डिफॉल्ट सॉर्टिंग ये हमारा यहाँ पे इस ये दिख रहा है, ये डिफॉल्ट सॉर्टिंग, अगर हम वहां पे कुछ हम चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम चेंज कर देंगे टेस्ट डी फॉल्ट सॉर्टिंग, ठीक है, अगर हम यहाँ पे सॉर्टिंग, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे करके हम सेव कर देते हैं, सेव कर देने के बाद में हमारा जो है यहाँ पे वो उस तरह का दिखने लगेगा, तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत ही कभी कभी रेयर केस में हम फंस जाते हैं इस चीजों को कस्टमाइज करने के लिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा टेस्ट डिफॉल्ट सॉर्टिंग इस तरह का हमारा आ गया, ठीक है, तो यहाँ से ये ले रहा है, ये हुक से ले रहा है, इस हुक को मैंने बोला हूं कि क्या कि जो ये हमारा फंक्शन है इसमें आओ, ठीक है, इसके अंदर में आ जाओ, और ये फंक्शन में देखो कि मैंने कस्टम कोडिंग क्या किया हूं इसके अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेनू, सबसे पहले जितना मेनू है ये मेनू को कवर कर रहा है पूरा, ठीक है, जो सारा हमारा दिखा रहा है
वो इस मेनू के डिफॉल्ट मेनू में जो हमारा आ रहा है, डिफॉल्ट में जो पहले पेज लोडिंग होने के बाद में जो हमारा पहले दिख रहा है वो ये चीज, ये हमारा है, ठीक है। तो इसको हम बैक कर देते हैं, तो ये हमारे डिफॉल्ट यहाँ से ले रहा है। उसके बाद में सॉर्ट बाय प्राइस, ठीक है, लो टू हाई, ये हमारा यहाँ से ले रहा है, इस जगह से ले रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो इस जगह पे हम यहाँ पे जो है लो टू हाई टू लो, ये हमारा इस जगह से ले रहा है, ठीक है, यहाँ से। अगर हमको चाहिए, अगर हम ऐसे भी हटा सकते हैं कि अगर हमको चाहिए कि ये चीज हम यहाँ से नहीं चाहिए, जैसे क्या क्या चीज नहीं चाहिए, पॉपुलरिटी वाला जो है हमको नहीं चाहिए, और जो है लेटेस्ट वाला चाहिए, और एवरेज रेटिंग वाला भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से हम हटा देंगे, उसके बाद में ये हमारा इस तरह से डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो चीज सारा हट जाएगा, और अगर नहीं भी हटा तो भी हम इसको हटा के दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सिर्फ तीन ही रह गया, ठीक है, यहाँ इस जगह पे तीन ही रह गया। अगर यहाँ पे जो है लो टू हाई अगर करते हैं, या तो फिर इसको ऊपर या तो इसको नीचे करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे सॉर्ट बाय लेटेस्ट, तो सॉर्ट बाय लेटेस्ट को हम यहाँ पे जो हम कॉपी कर देंगे, इसको सॉर्ट बाय लेटेस्ट हमारा कहाँ गया, सॉर्ट बाय लेटेस्ट, ठीक है, हम इसको कॉपी करके सबसे ऊपर कर देंगे, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, कोई लंबा चौड़ा कोडिंग करने की जरूरत नहीं। आप इस वीडियो को सिर्फ फॉलो करके आप अपना सॉर्टिंग को, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो अगर नए है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को जरूर, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं देख कर लेता हूँ फिर इसको, तो ये हमारा जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ही इजी तरीका है इसको कस्टमाइज करने का, और कहीं हम इसको कहीं कोर फाइल को छूने तो नहीं गए, इसका वर्डप्रेस का जो अंदर में क्या लिखा है नहीं लिखा है उसको तुम छूने नहीं गए, बिल्कुल एक छोटी सी कोड में मैंने इस सॉर्टिंग को चेंज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट बाय सॉर्ट बाय लेटेस्ट, ठीक है, यहाँ पे सॉर्ट बाय प्राइस लो टू हाई, ठीक है, यहाँ सॉर्ट बाय प्राइस हाई टू लो, बस अब इसमें मेरा अच्छा खासा वर्क करेगा। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ 100 रुपए प्राइस है, 50 रुपए है, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर में कि हमारा जो है इसके अंदर में ये लो टू हाई प्राइस हमको दिखाना चाहिए, ठीक है, तुम इस पर क्लिक करिए, बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा इसके अंदर में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे लो टू हाई प्राइस वाला जो है हमारा दिखना चाहिए इस जगह पे। मैं थोड़ा सा इसको, ये मेरा लोडिंग हो रहा है, मैं देख लेता हूँ इसमें, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है लो, ये 25 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, उसके बाद में जो है हमारा 355 रुपए है, इसके मतलब ये छोटे अमाउंट से लेके बड़े अमाउंट तक दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखना चाहते हैं कि हमारा नहीं कि बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट तक दिखाओ, ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है सॉर्टिंग के लिए इसका, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े अमाउंट से लेके हमारा छोटे अमाउंट नीचे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ इसको बोले हैं कि जो हाई प्राइस है उस और हाई प्राइस से लेके लो प्राइस तक हमको दिखाओ, ठीक है। तो ये एक अच्छा मतलब तरीका है कस्टमाइज करने का, और एक बेहतरीन तरीका है, अच्छा डेवलपर का यही पहचान है कि इस तरह से हुक से कस्टमाइज कर दे, ताकि जो है कभी भी, अब मानिए कि कभी भी मेरा WooCommerce अपडेट होगा, तो अब यहाँ तो ये हमारा थीम के अंदर में जो मैं फंक्शन कोड लिखा हूँ उसको तो अपडेट वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको WooCommerce से मतलब है। अब ये हमारा फंक्शन सेपरेटली रह जाएगा और सेव रह जाएगा, ठीक है, इसको कुछ नहीं होगा। फिर जब हमारा वो फंक्शन WooCommerce अपडेट हो जाने के बाद में फिर हमारा फंक्शन यहाँ से लेने लगेगा और जो है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा, ये वही फंक्शन हमारा काम करने लगेगा, ठीक है। तो बस फ्रेंड यही कुछ था आज के अपडेट और आज का इस वीडियो, ये वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो 100% आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी थोड़ा सा भी अगर आपको मिला हो और फायदा हुआ हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लोगों तक भी शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फ्रेंड। तो बस फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।